नेपाल की जमीन पर चीन की ओर से कब्जा कर भवन बनाए जाने के खिलाफ काठमांडू में विरोध प्रदर्शन किया गया। काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के बाहर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण की खबर नेपाल के हुमला जिले की है, जहां सीमा स्तंभ से 2 किलोमीटर भीतर नेपाली जमीन पर कब्जा करके चीन के सैनिकों ने 9 भवनों का निर्माण किया है। भारत तक ने आपको इस चीनी साजिश के बारे में बताया था कि कैसे वहां नेपाली नागरिकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही वहां बने अवैध निर्माण की तस्वीरें भी दिखाई थी। इस खबर के बाहर आने के साथ ही नेपाल सरकार ने सभी सुरक्षा निकाय और प्रशासनिक अधिकारियों को स्थलगत जानकारी के लिए भेजा था। हुला जिले के मुख्यालय से 2 दिन की दूरी पर रहे लापचा क्षेत्र में चीन की तरफ से अनाधिकृत तरीके से इमारत बनाई गई है। चीन का दावा है कि जो इमारतें बनाई गई हैं वो चीन के ही भूभाग में पड़ती हैं, जबकि नेपाली पक्ष का दावा है कि 11 नंबर की सीमा स्तंभ ही गायब कर चीन ने नेपाली भूमि अतिक्रमण करते हुए इन भवनों का निर्माण किया है। जब नेपाली अधिकारी वहां पहुंचे तो चीन ने इमारत वाली जगह पर बात करने से इनकार कर दिया। चीन के सैन्य अधिकारियों ने बताया कि सीमा संबंधी कोई भी बात सिर्फ सीमा क्षेत्र में ही होगी। इधर चीनी दूतावास की तरफ से भी एक बयान जारी कर कहा गया कि चीन के द्वारा नेपाल की भूमि अतिक्रमण कर इमारत बनाए जाने की खबर झूठी है। नेपाल के पास अगर प्रमाण है तो चीन बातचीत के लिए तैयार है, साथ ही नेपाल दोबारा से क्रॉस चेक करे। Thank you.